सरकारी इतनी मैं कहना चाहूंगा, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग सब बता रहे गर्मी के अंदर मुझे मिलना हो गया। अभी तो हमारे कुचावन जाना है, अभी आपके सोयना में जाना है, इसलिए लंबी बात नहीं करता हुआ मैं आपको इससे कहना चाहूंगा कि आपके यहाँ दो मांगे रखी है मेरे सामने। एक तो हरियाणा के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र को पीएचसी में कन्वर्ट करने की बात की, मैं घोषणा करता हूँ आपके यहाँ पीएचसी हो जाएगी। अभी भी मांग की गई मुझसे यहीं पर, क्योंकि मैंने कॉलेज तीन से तीन खोले और 130 लड़कियों की कॉलेज है। मैंने कहने का जब 500 लड़के पढ़ रही होगी वह कॉलेज खोल दिया जाएगा, तो जो मैं ताकि लड़कियों का एक बात सोचता हूँ, मुझे कहा गया है 10 स्कूल आप जब मिडिल तक की है, मैं घोषणा करता हूँ मिडिल स्कूल भी सीनियर सेकेंडरी बना दी जाएगी आपके यहाँ पर। नंबर 3, साथी के सब सेंटर को पीएचयू में कन्वर्ट करने की बात की गई, उसको भी पीएचयू में कन्वर्ट कर देंगे साथी को। और लास्ट जो है, अभी ये जी कह रहे थे आपके एमएलए साहब, जल्दी फौजदारा पेयजल परियोजना जिसकी लागत 23 करोड़ रुपए है, उसकी वित्तीय स्वीकृति देने की घोषणा करता हूँ। ये इस प्रकार से जो मुझसे मांगा है, जो मुझे मांगा मैंने सब काम स्वीकृत किए हैं। अब मांगने में कंजूसी करने से ज्यादा मेरे तो मेरी गलती नहीं है, और इनका भला आदमी है उनको कंजूसी कर देता है, सीएम क्या सोचेगा कि गुस्सा नहीं हो जाए मेरे ऊपर, तो ये कंजूसी बात करता। मैं जो तो मांग खुले दिल से मांगा गया, ये सब एम एल ए बैठे इन सबको मैं दे रहा हूँ, और कोई काम होगा नहीं होगा अलग बात है, मांगने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए अपने को। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मैंने कह रखा है इन सबको, तुम मांग के मांग थक जाओगे, बताओ ना मैं देखे थकूंगा, ये मैं कह रखा। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। हमारे जो नायक घर वाले